हाय गाइस, तो आप लोगों को तो पता ही है मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, उसके साथ साथ मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो फिलहाल तो हम लोग रह रहे हैं हैदराबाद में, जैसे एज यू नो। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे जगह ऑलरेडी घूम चुकी हूँ, कुछ जगह बाकी है। जैसे आज एक देख सकते हैं आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के, मैं कुछ पार्क में आई हूँ। तो ये पार्क है NTR गार्डन। यहाँ पे एक फेमस फिल्म स्टार है जिनके नाम से इसका जो नाम है वो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो तो चलिए मैं सैर कराती हूँ उसकी। आपको दिखेगा टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर एंड कुछ फाउंटेन काइंड ऑफ, और ऊपर कुछ राइड्स दिख रहा है। हाईली रिकमेंड यू गाइज, अगर आपको यहाँ पे आना है तो कोशिश कीजिए विंटर में आए या थोड़ा सा कम गर्मी में आए। तो अभी गर्मी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हम लोग तो अभी आए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और टिकट है यहाँ पे 20 रुपीज़ एडल्ट्स के लिए और 10 रुपीज़ है चाइल्ड के लिए। और कैमरा अगर बड़ा वाला लेंस है तो उसके लिए अलग से लगेंगे पैसे, और न छोटे वाले कैमरे के लिए पैसे नहीं लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग कुछ राइड्स में जाएंगे तो दिखाती हूँ। फिलहाल मैं थोड़ी सी बैठी हूँ, थोड़ी सी रेस्ट ले रही हूँ। है छोटे छोटे पत्थर और कुछ कैक्टस, और सामने दिखाई दे रहा है कुछ गार्डन। ऐसे गार्डन बहुत पसंद है, छोटे छोटे पहाड़ के जैसे, और कुछ प्लम काइंड ऑफ ट्रीज है, मुझे पता नहीं है इसके नाम क्या है। और यहाँ पे कुछ राइड्स है वाटर काइंड ऑफ, सब लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। देख रहे हैं कुछ पुरानी गाड़ी की तरह, तो है ये कुछ पुरानी गाड़ी नहीं है, ये टेबल एंड चेयर है। तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ फूड कोर्ट काइंड ऑफ है, यहाँ से आप खाना खरीद के ये जो गाड़ी है यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। देखिए कुछ लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा भी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है यहाँ का। हॉन्टेड हाउस एंड अंडर वाटर 3D एंड ट्रिलेनियम म्यूजियम काइंड ऑफ कुछ, पर मैं इतना डर गई थी हॉन्टेड हाउस में कि मैं पूरा नाम भूल गई हूँ, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। सच में मुझे बहुत डर लगा था क्योंकि एकदम अंधेरा है और बीच बीच में कोई जैसा होता है हॉन्टेड हाउस। और टिकट अगर तीनों आप ले रहे हैं एक साथ तो 50 पड़ते हैं, नहीं तो एक एक के 30 या 40 करके होते हैं। बाकी घूम लो, मुझे अभी भी डर लग रहा है सच में। Thank you.
राइड जो था वो काफ़ी अच्छा था, पर कोई भी राइड उतना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड बस। तो बच्चे के लिए ठीक है, बच्चे लोग इन्जॉय कर रहे थे, हम लोगों ने भी अच्छा खासा ही इन्जॉय किया है। तो अभी कुरकुरे खाने हैं हम लोगों को, तो मैं देती हूँ वो नहीं ना बैगे अच्छे कुरकुरे हमारे बैगे तुम्हारे बैगे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ हैं बहुत सारे, खास करके बच्चे को यहाँ पे बहुत अच्छे लगने वाले हैं। एडल्ट्स के लिए भी बहुत सारे राइड्स हैं यहाँ पे, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, पर बच्चे लोगों के लिए कुछ खास है शायद। और बहुत ही ये लोग मेंटेन करते हैं, टाइम टाइम पे आके ये झाड़ू लगा रहे हैं। और वॉशरूम भी है, खाना आप खा सकते हैं, फूड कोर्ट है यहाँ पे, पानी भी ले सकता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझको पर मैं सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप कोशिश कीजिए शाम पे टाइम पे आने का, पर क्योंकि हैदराबाद में इतना गर्मी है ना, तो कोशिश कीजिए कि शाम के टाइम से ही आए आप। होता है 12:30 बजे और बंद होता है 8:30 बजे, तो आप आइए अपने टाइम के हिसाब से। दिया है तो अभी शाम होने वाला है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि घर चला जाए, क्योंकि पूरा जो पार्क है वो मैंने घूम लिया है और आप लोगों को भी दिखा दिया है। तो आई होप रियली कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है, अगर लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आपको पता ही है हर वीडियो में बोलना पड़ता है। तो टिल देन टेक केयर, बाय।